हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को सिंपल ब्लाउज़ के कटिंग एंड मेजरमेंट बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिंपल ब्लाउज़ को कैसे सिलना है। तो चलिए व्यूअर्स, देख सकते हैं आप सभी, मैंने सारा पीसेस काट के रख लिया। ये है आपका गला पट्टी, हुक पट्टी एंड ये है बॉडी और ये है स्लीव, देख सकते हैं आप सभी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको कंधा अटैच कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कंधा अटैच करेंगे। कंधा अटैच हो जाने के बाद हमें इसे इस तरीके से पकड़ के टैकन बनानी है, इस तरीके से देख सकते हैं ट्रायंगल शेप में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ करके। सीवियर्स, चलिए हम कंधा अटैच कर लेते हैं। देख सकते हैं आप सभी, इस तरीके से आपको कंधा अटैच कर लेनी है। सो व्यूअर्स, देखिए हमने दोनों कंधा अटैच कर लिया है। अब क्या करना है, साड़ी में टेकन डालना है, फ्रंट वाले में। टेकन कैसे डालना है देख सकते हैं, ये जो ऐसा है इसे हम इस तरीके से मोड़ के ट्रायंगल के शेप में सिलाई करेंगे सारे हिस्से को। चलिए मैं एक बता देती हूँ। स्वीट्स इस तरीके से आपको रख लेनी है और देख सकते हैं मैं कैसे सिलाई करूँगी। अब यहाँ से इस तरीके से ये से ट्रायंगल सिलाई करूँगी, देख सकते हैं। देखिए आपका जहाँ पे ये मेजरमेंट है, देख सकते हैं आपका जो मेजरमेंट यहाँ पे था, जहाँ पे आपने ब्लू लाइन अपना जो मार्क किया हुआ था, वहीं तक करना। इस तरीके से आपको चारों ओर टैकन डाल लेना है जहाँ जहाँ आपने मार्क किया हुआ है, देख सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरे टैकन डाल लेनी है। तो चलिए सबको कंप्लीट कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं अगर आपको ये अपना जो टैकन है वो अगर मजबूत करनी हो तो आप इस तरीके से जब ऐसा करके सिलाई करके जाते हैं, फिर यहीं से आपको वापस इसी लाइन पर आना है जिससे आपका सिलाई मजबूत हो जाएगी, देख सकते हैं। जैसे मैं अभी दिखा देती हूँ एक इस तरीके से, इस तरीके से आपको पूरे आना है यहाँ तक, देख सकते हैं पूरा इस तरीके से यहाँ तक आना है जिससे आपका सिलाई और टैकन दोनों मजबूत रहेंगे। देखिए ये जो सिलाई है और ये जो टैकन है, देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे मजबूत हो जाते हैं इस तरीके से। चलिए सबको कंप्लीट कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं हमारा जितना भी टैकन काम है वो हमने ख़त्म कर लिया है। देख सकते हैं हमने फ्रंट वाला टैकन भी बना लिया है एंड बैक वाला भी टैकन बना लिया है एंड शोल्डर भी हमने अटैच कर लिया है। सो व्यूअर्स, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, पट्टी की, बटन पट्टी बोलिए या फिर हुक पट्टी बोलिए। सो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको चोली कट जो ब्लाउज़ बताया था वो मैंने हुक पट्टी बताई थी, तो इस वीडियो में प्लेन ब्लाउज वाली वीडियो पे मैं आपको बटन पट्टी बताऊंगी। सो व्यूअर्स, ये जो ब्लाउज़ बना रहे हैं ये है बटन वाले ब्लाउज़। सो व्यूअर्स, बटन वाले ब्लाउज़ में थोड़े से डिफरेंस होते हैं, पट्टी आपकी सेम कटेगी जितना आप चोली कट में काटे थे, पर बटन पट्टी अलग तरीके से लगेगी। तो कैसे लगेगी चलिए मैं बताती हूँ। सो लेफ्ट साइड वाले पट्टी क्या होगी, एक ऊपर से एक बार सिलाई होगी और अंदर की ओर मुड़ के सिलाई होगी जैसे पट्टी सिलाई होती है। एंड राइट साइड वाले पट्टी क्या होगी, राइट साइड वाले पट्टी को हम अंदर से सिलाई करेंगे और बाहर की ओर लाएंगे जैसे कि हमने जैसे हम लाते हैं, ठीक है व्यूअर्स। सो लेफ्ट साइड वाले में हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड वाले में हमें घर बनाना है, बटन घर बनाएंगे एंड राइट साइड वाले में हम बटन लगाएंगे, ठीक है व्यूअर्स। लेफ्ट साइड वाले में हम घर बनाएंगे एंड राइट साइड वाले में हम बटन लगाएंगे। सो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, लेफ्ट साइड वाले पट्टी को हम ऊपर से सिल के अंदर पलटेंगे एंड राइट साइड वाले पट्टी को हम अंदर से सिल के
ऊपर की ओर पलटी करेंगे जैसे आप सब करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे व्यूअर्स, इसके बाद हम गले पट्टी लगाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, मैं बता देती हूँ पहले, इसके बाद हम गले पट्टी लगाएंगे, इसके बाद हम स्लीव अटैच करेंगे, उसके बाद हम नीचे का इसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम साइड से लेफ्ट साइड वाला पट्टी मैं लगा रही हूँ, जो देख सकते हैं ये सीधा साइड है, सीधा साइड से हम लगा रहे हैं, उसका पलट देंगे। तो देखिए सीधा साइड से मैं लगा रही हूँ, आपको इस तरीके से हाफ इंच का एक सिलाई लगानी है। देखिए सीधा साइड है, देख सकते हैं, अब ये सीधा साइड से हम इसे इस तरीके से प्लेट देनी है ऐसे, देख सकते हैं इस तरीके से नीट एंड क्लीन। और ये जो हमने जो पीछे पलटी है इसे हम इस तरीके से हल्का सा मोड़ के, इस तरीके से हल्का सा मोड़ेंगे, देखिए इस तरीके से मोड़ के इसे ऐसे प्लेट देनी है। आपको जितना भी साइज़, आपको जितना भी चौड़ा रखना है वो देख लेना है, उसके बाद इस तरीके से आपको जितना चौड़ा मिल जाए, जैसे कि मुझे इतना रखना है तो मैं इस तरीके से मोड़ ली और इस तरीके से मोड़ दूंगी और सिलाई लगा दूंगी, देख सकते हैं। चलिए मैं बता ही देती हूँ कैसे करते हैं। देखिए इस तरीके से मोड़ लेना है, इस तरीके से आपको जितना रखना है, अगर आपको ऐसे करके हाफ रखना है आप हाफ रख सकते हैं, जैसे मुझे इतना रखना है। तब देखिए जो मैंने सिलाई किया था इस सिलाई से जस्ट थोड़े से बगल में करूँगी ताकि जो मेरी सिलाई है वो आगे ना दिखे, देख सकते हैं इसके इधर से मैंने कपड़े को कुछ नहीं किया है, बस इस तरीके से एक बार यहाँ फोल्ड किया और इस तरीके से एक बार यहाँ फोल्ड कर रही और ये सिलाई को छुपाते हैं। देख सकते सेम चीज़ हमें राइट साइड वाले में भी करनी है, पर उसको हम आगे देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ऐसे करके हेम कर देंगे, या फिर जब हम इस पर बटन होल बनाएंगे तो ये अपने आप ऐसे हमें हेम करने का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला, देख सकते हैं व्यूअर्स। अगर आपको और भी मजबूत बनानी है तो आप इसके एज पे हल्का हल्का सिलाई कर दें, ये वाले एज पे जो ये है एज, इसके सिलाई की एज, देख सकते हैं ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब इसे हम इस तरीके से पलट देंगे और इसके ऊपर हम होल बनाएंगे। सिवियर्स राइट साइड वाले में क्या करना है, हमें उल्टे साइड से, देख सकते हो उल्टा है ये, उल्टे साइड से हमें एक सेल लगानी है, इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने उल्टा साइड से एक सिलाई लगा लिया, अब क्या करेंगे इसे सीधे साइड में, देखिए अब इसे सीधे साइड से क्या करना है, इस तरीके से हमें मोड़ के बटन वाला पट्टी बनाना है, देख सकते हैं। मैंने इसे एक बार यहाँ पे फोल्ड किया मिडिल में और इसके बाद मिडिल वाले पोर्शन को ही मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है, मतलब ये जो सिलाई है इसे ये बाहर आना चाहिए पट्टी, वो वाले लेफ्ट साइड वाले पट्टी में क्या था हमें इसे पलट के अंदर कर दिया था, मतलब ये लाइन से ये बाहर नहीं थी, पर ये वाले बटन वाले पट्टी में बाहर होगी। ठीक है, ये वाले लाइन से जो सिलाई है इस लाइन से बाहर होगी, अंदर नहीं। तो चलिए इसे सिल लेते हैं।
व्यूअर्स देख सकते हैं हमारा जो बटन पट्टी है वो रेडी हो गया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो चलिए हमारा पट्टी रेडी हो गया है, मतलब अब हम गला पट्टी बना सकते हैं, लगा सकते हैं। तो चलिए गला पट्टी लगाते हैं। देखिए हमारा रेडी हो चुका है, तो अब हम गला पट्टी। तो व्यूअर सबसे पहले हम जो पट्टी है इसे हम जॉइंट करके एक लंबी डोरी बना लेना है। जैसे मैंने बताया था पट्टी लगाने का तरीका, मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। एक डोरी बनाना है तो देख सकते हैं गैपिंग, अगर आप गैप लग रहा है तो आप पट्टी इस तरह से पलट दें और इस तरीके से मिला लें। मिलाने के बाद इसे क्या करना है, इस तरीके से सिल लेनी है। और मजबूत करना चाहते हैं तो इसे और एक बार इस तरीके से सिल लें। सकते हैं हमारा सिल के रेडी हो गया, और मतलब एक लंबा पट्टी रेडी। इस तरीके से आपको पूरा ज्वाइंट कर लेना। तो चलिए ज्वाइंट कर लेती हूँ। पट्टी डाल लिया है। पट्टी डालने के बाद क्या करना है आपको, देखिए पट्टी डालने के बाद इस तरीके से, पट्टी डालने के बाद आपको इस तरीके से कट लगानी है, तिरछा कट लगानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से सीधे की ओर सीधा इस तरीके से सीधा कर लेना है, और इस तरीके से इसे मोड़ के यहाँ पे एक सिलाई लगानी है एज पे। देख सकते हैं ये एज पे आपको एक सिलाई लगानी है, लंबी सिलाई। चलिए मैं लगा के दिखाती हूँ। व्यूअर्स देख सकते हैं मैंने एक लंबी सिलाई लगा ली है। व्यूअर्स ध्यान दीजिएगा, आपको ये मेन जो कपड़ा उस पर नहीं लगाना है सिलाई, आपको इस पे लगाना है, जैसे मैंने बताया इस पे लगानी है। चलिए पूरी सिलाई लगा लेते हैं। सो व्यूअर्स देख सकते हैं हमारे ये सारा सिलाई करके इस तरीके से सिलाई करके रेडी कर लिया है। सो व्यूअर्स मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ, अगर आपको हेम करना है तो आप इसे इस तरीके से ना छोड़े, इस तरीके से छोड़ के अगर बाद में आप हेम करना चाहेंगे ऐसे मोड़ के तो बहुत दिक्कत होती है, तो इस तरीके से ना करें। तो जैसे मैं बता रही हूँ इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से हेम कर पाएंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से ले लेना है और इस तरीके से रखते हुए सिलाई करनी है। चलिए मैं थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। सो व्यूअर्स देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से हल्का सा फोल्ड करना है इस तरीके से, और आपको इस एज पे सिलाई लगानी है पूरी, ताकि जब आप हेम करें तब इस तरीके से फोल्ड कर दें और यहाँ पे हेम करें। चलिए थोड़ी सी दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको गला को बैठाते हुए, जैसा गला का सेप आपको उसी तरीके से इस तरीके से मोड़ते हुए सिलाई करनी है। सो व्यूअर्स देख सकते हैं कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरीके से जब इसे आप हेम करने के लिए फोल्ड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी देखें नीट एंड क्लीन बन जाती है नेक आपकी, देख सकते हैं। सो व्यूअर्स चलिए अब स्लीव लगा के इसे साइड सिलाई कर लेते हैं और नीचे सिलाई कर लेते हैं और आपकी ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए इसे हम फिनिश कर लेते हैं। सो व्यूअर्स देख सकते हैं हमारा प्लेन ब्लाउज बनके रेडी हो चुका है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है व्यूअर्स, देख सकते हैं ये गोल गला बना हुआ है, देख सकते हैं ये गोल गला वाला ब्लाउज बना है, प्लेन ब्लाउज सिंपल ब्लाउज देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा बना है। सो व्यूअर्स मैंने कहा था ये बटन वाला ब्लाउज मैं बना रही हूँ, तो ये सारा फिनिशिंग हो चुकी है, बस इस पर बटन लगाना बाकी है। तो अगर आपको जानना है कि बटन कैसे लगता है और बटन होल कैसे बनता है तो आप प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, और मुझे ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज़ व्यूअर्स मुझे कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। सो व्यूअर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।